अच्छा देखो एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का ना पार्ट नंबर है 7, ये हम सॉल्व करते हैं और इसके ऊपर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला यूज कर रहे हैं और बाय पार्ट्स के लिए फार्मूला पहले लिख लेते हैं। अगर u हमारे पास हो फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन हो तो बेटे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर की फर्स्ट फंक्शन एज इज, पहला फंक्शन हमें वैसे ही रखना है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस इंटीग्रल का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी यू का हम डेरिवेटिव लेंगे और साथ में क्या लिखेंगे डी एस लेंगे। ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पहला फंक्शन वैसे ही रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस इंटीग्रल का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी इसी आंसर को यहाँ लेना और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसके ऊपर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला लगाना है, लेकिन आपको ये बात भी बताई थी कि अगर इनवर्स और लॉग वाले फंक्शन अकेले आ जाए तो हमने वन को जो है वो एज ए सेकंड फंक्शन रखकर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दी। मसलन क्या मैं लिखता हूँ जी, टेंजेंट इनवर्स एक्स इनटू वन और डी एक्स, ये रख लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और इधर रख लेते हैं सेकंड फंक्शन, यहाँ लिख देते हैं ए वन एज ए सेकंड फंक्शन, वन को जो है वो हमने सेकंड फंक्शन बना दिया और ये कब काम करना है जब इनवर्स और लॉग वाला फंक्शन जो है वो अकेला। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगा दें, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, वन की इंटीग्रेशन क्या होगी एक्स होगी, फिर माइनस इंटीग्रल का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। भाई टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/(1+x²)(dx)। अब ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा है, इसकी हमने इंटीग्रेशन करके इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस का 1/2 इंटू डी एक्स, फिर 1+(x²) इंटू डी एक्स, यानी जब दो पॉलिनोमियल आपस में डिवाइड हो रही हो और एक डिग्री का फर्क हो, ऊपर एक डिग्री कम हो, तो बात याद रखना हमेशा डेरिवेटिव बनता है ऊपर एक डिग्री कम हो, जैसे यहाँ देखो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0 और x² का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए 2x होना चाहिए, तो मैंने क्या किया ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 पे डिवाइड। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो इंटीग्रेशन में जब किसी नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम नीचे वाले फंक्शन का लॉग लेते हैं, तो क्या आ जाएगा इसमें x टेंजेंट इनवर्स x माइनस का हाफ नेचुरल लॉग ऑफ 1+(x²) और साथ में क्या लिखेंगे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसे कॉपी कर लो। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास इनवर्स फंक्शन है या नहीं, अब आप देखिए इस क्वेश्चन में इनवर्स फंक्शन नहीं आया, वो ऑप्शन खत्म हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है लॉगरिथमिक फंक्शन भी इस क्वेश्चन में, थर्ड ऑप्शन हमारे पास कौन सी है अलजेब्रिक फंक्शन, वो हमारे पास आ रहा है। अलजेब्रिक फंक्शन में हम किसको रखेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसे रखेंगे सेकंड फंक्शन और इसकी करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, भाई sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस cos x, sin x की इंटीग्रेशन क्या है माइनस cos x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इसी आंसर को यहां लिखा, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट भाई x² का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो x² cos x प्लस का 2 कांस्टेंट है इसे इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं, फिर cos x * dx। अब इस पर फिर हमने अप्लाई करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जब तक साइन ऑफ इंटीग्रल खत्म नहीं होगा हमने इंटीग्रेशन करते जाना,
यानी मैं इसे रखूंगा फर्स्ट फंक्शन और इसे सेकंड फंक्शन, दोबारा भी वही फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस का 2 जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्या फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, पहला फंक्शन बेटे वैसे ही रखना है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होगी sin x होगा, माइनस नहीं करना वो डेरिवेटिव होता है, कॉस की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी sin x, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इन पैरेलल का sin इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी इसी आंसर को हम यहां लिख देते हैं, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किस चीज के बराबर हो जाएगा 1, अब सिर्फ हमने इंटीग्रेशन करनी है sin x, अब बताओ sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस cos x, वो माइनस cos माइनस हो गया कर देगा प्लस, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर cos x प्लस का 2x sin x और फिर माइनस का 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किए और जो sin x है उसकी इंटीग्रेशन लिख रहे हैं माइनस cos x और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है, तो ये बेटे फाइनली आंसर आ जाएगा x cos x प्लस का 2x sin x माइनस माइनस प्लस 2 cos x और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसे कॉपी कर लो। ओके पार्ट 9 में आ गई x स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स x, तो अब पहले तो हमने ये डिसाइड करना कि हम फर्स्ट फंक्शन किसको रखें, पहली ऑप्शन कौन सी है इनवर्स, तो इसमें इनवर्स फंक्शन आ रहा है, ये बेटे हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन और ये वाला सेकंड फंक्शन, अब इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी, क्या फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अब x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी x क्यूब डिवाइड बाय 3 फिर माइनस इंटीग्रल का साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी इसी को यहां लिख देना डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर इनटू 3, अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है साहब, और उस वक्त तक इंटीग्रेट करते रहना जब तक इंटीग्रेशन का साइन खत्म ना हो, यानी क्या लिखेंगे हम x क्यूब डिवाइड बाय 3 टेंजेंट इनवर्स x माइनस का 1 बाय 3 फिर x क्यूब 1 प्लस x स्क्वायर इनटू डी, ये वाला 1 बाय 3 कांस्टेंट है इसको अपने इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे, अब बेटे ये मेरे पास आ रही है इंप्रॉपर फ्रैक्शन, इंप्रॉपर फ्रैक्शन भी हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते अंटिल कि उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट ना करें, तो पहले हम इसे डीबीएम मेथड से करते हैं डिवाइड करते हैं उसके बाद फिर इसकी इंटीग्रेशन होगी, यानी देखो क्या आएगा इसमें x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर और प्लस का 1 जी किससे मल्टीप्लाई करेंगे x से तो ये आ जाएगा x क्यूब प्लस का x माइनस करेंगे तो यहां पर माइनस का x रह गया, इसे बोलते हैं रिमाइंडर कोशेंट और ये था हमारे पास डिवाइजर, और डिवीजन के बाद लिखने के लिए फार्मूला होता है क्यू प्लस आर ओवर डी कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, तो यहां आ जाएगा x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 टेंजेंट इनवर्स x माइनस का 1 बाय 3 जी x में हम लिखेंगे जी कोशेंट की वैल्यू x आ जाएगी प्लस रिमाइंडर इसका है माइनस x और डिवाइजर इसका क्या था 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx, अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है लो अलग-अलग काम x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 टेंजेंट इनवर्स x माइनस का 1 बाय 3 x dx और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, ये आ जाएगा प्लस का 1 बाय 3 x 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx, अब बेटे देखो एक डिग्री का फर्क आ रहा है, मैंने आपको कहा था जब एक डिग्री ऊपर कम हो तो हमेशा डेरिवेटिव बनेगा, अब बताओ x कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है 0 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आना चाहिए x स्क्वायर का 2x, तो हम क्या करते हैं इस वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 में डिवाइड भी करते हैं ताकि डेरिवेटिव बन जाए, अब यहां x की पावर कितनी आ रही है 1 आ रही है, तो ये पावर छोड़कर डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे पावर में एक ऐड करेंगे और नहीं बनने वाली पावर पे डिवाइड करेंगे,
यानी x की पावर n की इंटीग्रेशन क्या होगी, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, तो ये आ जाएगा x क्यूब ओवर 3 टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1 बाय 3 x स्क्वायर बाय 2 प्लस का 1 बाय 6, और ये डेरिवेटिव ऊपर दिया गया है तो यहाँ पर हम लॉग ले लेंगे और साथ में क्या लिखेंगे, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो शाबो कॉपी हो गए लिखो, समझ गए किस तरह किया। ये हमारे पास थी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले हमने डिवीजन मेथड से प्रॉपर में कन्वर्ट किया फिर जाकर इंटीग्रेशन हो। पार्ट 10 में है जी x टेंजेंट इनवर्स x इनटू ds। लो अब बताओ इसमें किसको फर्स्ट फंक्शन, टेंजेंट इनवर्स, ये इनवर्स फंक्शन आ गया, ये फर्स्ट फंक्शन रखा जाएगा और ये वाला सेकंड। अब तुम बताओगे क्या होगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्या फार्मूला बताओ। वो देखा पहले फंक्शन को एग्जैक्टली, हां जी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर आगे सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी, और x की इंटीग्रेशन क्या होगी x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रल का साइन x स्क्वायर बाय 2, इसी आंसर को यहां ले आते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव बेटी होता है 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है लेकिन मसला भी वही है, ये कौन सा इंटीग्रल आ गया है इंप्रॉपर, इसकी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते अंतिम के हम उसे प्रॉपर इंटीग्रल में कन्वर्ट ना कर, प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया ना, ये इंप्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना, यानी क्या आ जाएगा इसमें x स्क्वायर बाय 2 टेंजेंट इनवर्स x माइनस हाफ x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx। अब एक बार आओ, अगर ये पावर बराबर हो डिवाइड भी कर सकते हो वो भी ठीक है, अगर पावर बराबर है तो जैसा फंक्शन नीचे है वैसा फंक्शन ऊपर बनाना है, यानी यहाँ पर हम 1 प्लस x स्क्वायर बनाने के लिए इसमें 1 ऐड भी कर लेते हैं और 1 जो है वो सबट्रैक्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे x स्क्वायर बाय 2 टेंजेंट इनवर्स x माइनस हाफ, बेटे इस 1 प्लस x स्क्वायर के ऊपर एलसीएम लगाते हैं और इस माइनस हाफ को जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा और 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, इस पर इंटीग्रेशन अलग करेंगे, 1 प्लस x स्क्वायर वाले पे अलग एलसीएम किया, इस माइनस 1 के ऊपर एलसीएम अलग किया, लेकिन वो वाला माइनस इस माइनस के साथ इनके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये लोग कैंसिल हो गए, क्या रह गया यहां पे 1, अब बताओ 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 की इंटीग्रेशन x होगी, और कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लें, आंसर आता है 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स, तो बेटे फिर 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स, तो यहां हम लिखेंगे x स्क्वायर बाय 2 टेंजेंट इनवर्स x माइनस हाफ और 1 की इंटीग्रेशन x आ गई प्लस 1 बाय 2, ये बेटे आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x और साथ में क्या लिखोगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। भाई पिछली एक्सरसाइज में एक फार्मूला दिया था स्टैंडर्ड 1 ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू dx, ये सारे की इंटीग्रेशन क्या थी, मतलब 1 ओवर a टेंजेंट इनवर्स x ओवर a, तो यहां पर a की वैल्यू हमने कितनी लगाई 1 लगाई। ठीक है, ये इसके ऊपर 4 5 क्वेश्चन थे इस फार्मूले के ऊपर, वही फार्मूला इसके ऊपर हमने अप्लाई किया, कॉपी करो शब्द नोट करो। बेटे एक्सरसाइज 3.4 और क्वेश्चन 1 के हम ना 10 तक पार्ट्स कर चुके हैं, आगे हमने 11 से स्टार्ट करना है। अच्छा, इसमें अब फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है और रूल जो हम इसके ऊपर देख रहे हैं वो बेटे हाई लेयर रूल है। हाई लेयर रूल में आपने सबसे पहले देखना है कि इसमें इनवर्स फंक्शन क्वेश्चन के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हमारे इनवर्स फंक्शन अगर आया इसको हम रखेंगे फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। अब इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, क्या फार्मूला है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, बेटे x क्यूब की इंटीग्रेशन हो जाएगी x की पावर 4 ओवर 4 फिर माइनस इंटीग्रल का साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी इसी आंसर को यहां ले आएंगे और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये फार्मूला फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल का साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट,
टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx। अब इसे हमने सॉल्व करना है, लेकिन ये एक इंप्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसकी इंटीग्रेशन होगी। जैसे हम x स्क्वायर प्लस 1 और इधर रखते हैं x की पावर 4, यानी x की पावर 4 को डिवाइड करेंगे, 1 प्लस x स्क्वायर लिख लो या x स्क्वायर प्लस 1 लिख लो। अब यहाँ हमें लिखना पड़ेगा जी x स्क्वायर, इस x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करूँगा x की पावर 4, इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो x स्क्वायर, माइनस करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, और अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस 1 से। भाई माइनस 1 को x स्क्वायर से करोगे तो माइनस का x स्क्वायर, फिर इस माइनस 1 को 1 से करोगे माइनस 1, साइन बेटे हमने चेंज कर देने हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या रह जाएगा प्लस 1 रह जाएगा। इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर, और ये है क्वेश्चन और ये था डिवाइजर। और मैंने आपको बताया था कि डिवीजन के बाद लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू प्लस आर ओवर डी, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो यह आ जाएगा x की पावर 4 ओवर 4, टेंजेंट इनवर्स x, ये वाला 1 बाय 4 बाहर लिख देते हैं। अब q प्लस r ओवर d, x स्क्वायर माइनस 1 प्लस r, इसमें आ गया है 1 और डिवाइजर हमारे पास था 1 प्लस x स्क्वायर, और साथ में हम लिखेंगे dx। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो इसके लिए x की पावर 4 ओवर 4 टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1 बाय 4, बेटे मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं। अब बताओ x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, 2x क्यूब डिवाइडेड बाय 3, पावर में एक ऐड करना है, अगर नहीं बनने वाली पावर होगी उस पे डिवाइड कर देंगे, और बेटे 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x। और अब देखो कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसके डेरिवेटिव का आंसर होता है 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, तो 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स x, और साथ में हम क्या लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये वही फार्मूला है जो हम यूज करते हैं 1 ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 1 ओवर a टेंजेंट इनवर्स x ओवर a, वही फार्मूला बार-बार अप्लाई कर रहे हैं। कॉपी करो, नोट करो, शाबाश, ये आसानी से हो गया। सर हम इस तरह कर सकते हैं, सर इधर क्या है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन 1 और उसका पार्ट नंबर 12। ये अभी x क्यूब cos x इनटू dx। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है, सबसे पहले तलाश करो इसमें इनवर्स फंक्शन आ रहा है, कोई भी नहीं। सेकंड चॉइस क्या है, लॉग इट्स बिग फंक्शन, वो भी नहीं। थर्ड चॉइस हमारे पास कौन सी है, अलजेब्रिक फंक्शन, तो ये हमारे पास रखा जाएगा फर्स्ट फंक्शन, और इसको हम रखेंगे सेकंड फंक्शन, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देंगे। क्या बेटे फार्मूला है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, नहीं वो तो डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन कॉस का साइन, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, लेकिन कॉस की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन एक्स होगी, फिर माइनस इंटीग्रल का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी इसी आंसर को यहां ले आना, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, देखिए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर इनटू dx। अब x क्यूब फिर साइन एक्स फिर माइनस 3 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख दें, और अब इसकी फिर हमने करनी है जी इंटीग्रेशन y पार्ट, ये रखा जाएगा फर्स्ट और इसको रखेंगे सेकंड फंक्शन। अब इंटीग्रेशन y पार्ट्स का फार्मूला इसके ऊपर लगाते हैं, ब्रैकेट लगा दो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो sin x की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस cos x, sin x की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस cos x, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल का sin, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, बेटे x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x dx और ब्रैकेट क्लोज। लो अब इस माइनस 3 को इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा x क्यूब sin x माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर cos x, और ये बेटे 3 माइनस हो जाएंगे, एक माइनस ये, एक माइनस ये और एक ये, और इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6, और यहाँ आ जाएगा x cos x into dx। इसके ऊपर फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी,
और ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन और इसे रखेंगे जी सेकंड फंक्शन। तो x क्यूब sin x प्लस का 3x स्क्वायर और x माइनस का 6। जे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो cos की इंटीग्रेशन क्या होगी sin x होगी। शाबाश फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल का साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। भाई x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है किस चीज के बराबर हो जाएगा 1 के और साथ में dx। लो अब इस माइनस को फिर अंदर मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा हमारे पास x क्यूब और sin x प्लस का 3x स्क्वायर cos x माइनस का अच्छा अगर यहाँ 6 लिखते हैं ब्रैकेट ऐसे ही रहने दो अगर मैं x sin x। अब बताओ sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस cos x। sin x की इंटीग्रेशन क्या होगी माइनस cos x। तो एक माइनस ये और माइनस का cos x और साथ में सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो और मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो x क्यूब sin x प्लस का 3x स्क्वायर cos x माइनस का 6x इनटू sin x फिर माइनस का 6 cos x और साथ में सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये था जी हमारा पार्ट नंबर 12। चलो नोट कर लीजिए। जी नेक्स्ट है जी पार्ट 13 है। इंटीग्रल ऑफ sin इनवर्स x इनटू dx। अब ये अकेला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मैंने आपको रूल्स के अंदर लिखवाया था कि जब भी इनवर्स और लॉग वाले फंक्शन अकेले आएंगे तो वहां 1 को हम जो है सेकंड फंक्शन रखकर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। तो यहां हम लिख देते हैं a 1 as a second function. तो sin inverse x into 1 और ds ये आ जाएगा first और ये second। अब करेंगे integration by parts। क्या formula थी first function as it is integration of second by 1 की integration क्या हो जाएगी x फिर माइनस इंटीग्रल का साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी इसी आंसर को यहां ले आना और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। अब इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है और मैंने आपको बताया था कि पॉलीनोमियल में 1 डिग्री का फर्क हो ऊपर 1 डिग्री कम हो तो हमेशा डेरिवेटिव बनते हैं। अब क्या करेंगे x साइन इनवर्स x माइनस यहाँ लिखते हैं जी हाँ इसे ऊपर ले आते हैं 1 माइनस x स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी माइनस 1 बाई 2 और यहाँ बैठे x और साथ में क्या आ जाएगा dx। अब आपकी पावर छोड़ दें कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो और माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x होना चाहिए। तो बेटे यहाँ माइनस 2 माइनस 2x लाने के लिए हम माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस 2 पे डिवाइड कर देते हैं और जब पावर छोड़कर डेरिवेटिव साथ मिल जाए तो फिर इसकी पावर में हमने एक ऐड करना है और जो नई पावर बनेगी उस पे डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा x sin इनवर्स x प्लस का 1/2 1 माइनस x स्क्वायर में एक ऐड करूंगा प्लस 1/2 इसी पे डिवाइड करेंगे और साथ में सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भाई ये वाला 1/2 इस 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। तो x sin इनवर्स x प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये था जी पार्ट 13।